हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रज़िया। आप सभी का स्वागत है कुक विथ रज़िया पर। आज हम बनाएंगे चॉकलेट बनाना केक। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। सो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर से लाइक करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक ग्लास में ली हूँ आधा कप दूध। साथ ही मैं इसमें डालूँगी एक चम्मच प्लस आधा चम्मच, टोटल इसमें मैंने 1.5 टीस्पून डाला है विनेगर। अब इन दोनों को डाल के हम मिक्स करेंगे और इसे कुछ देर के लिए हम साइड में रख देंगे ताकि हमारा बटर मिल्क तैयार हो जाए। अब दूसरी तरफ हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1/2 कप प्लस 1/4 कप शुगर और साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 पके हुए केले। अगर आपके केले बहुत ज़्यादा पक जाते हैं तो उन्हें फेंकने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें आप इस तरह से रेसिपी में यूज़ कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो यहाँ पे हमने 2 पके हुए केले डाल लेने हैं और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। अब हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, इसमें तैयार किया हुआ बनाना और शुगर का मिक्सचर डालेंगे। साथ ही हम इसमें 1/2 कप तेल डालेंगे। इन दोनों को डाल के अच्छे से मिलाएंगे ताकि तेल जो है वो बनाना और शुगर के मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब आप देख सकते हो, अब हमने ऑयल को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये आप देखो, ऑयल जो है वो बनाना में मिक्स हो गया है, बिल्कुल आपको सेपरेट ऑयल नज़र नहीं आ रहा है। ये आप देख सकते हो इसका टेक्स्चर, बहुत ही अच्छी तरह से तेल मिक्स हुआ है। इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आपको ऐसे ही मिक्स करना है। उसके बाद हम एक छन्नी लेंगे, इसमें हम डालेंगे 1 कप प्लस 1/4 कप मैदा, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच यानी कि 1/4 टीएसपी बेकिंग सोडा, 1/4 कप कोको पाउडर। इन सबको डाल के हम अच्छी तरह से छान लेंगे। अगर थोड़े बहुत ऊपर लम्स रहे तो इसे इस तरह से चला लें। अब हमने इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लिया है। अब हम यहाँ पे एक स्पैचुला की मदद से इन्हें अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब आप देखो, अब हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। अब मैं इसमें हमारा ये बटर मिल्क डालूंगी जिसे हमने बना के साइड पे रखा हुआ था, और एकदम हल्के हाथों से इस तरह से कट एंड फोल्ड मेथड से आप इसे मिक्स करें। अब आप देखो, अभी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। बैटर की कंसिस्टेंसी ये आप देख सकते हो, बिल्कुल फ्री फ्लोइंग है। आप चाहो तो इसे ऐसे ही बेक कर सकते हो, या फिर अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टेस्ट चाहिए, बनाने के साथ में वॉलनट अच्छा लगता है, कोई भी आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसमें थोड़े से चोको चिप्स भी डाल सकते हो, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चोको चिप्स वैसे ऑप्शनल है, ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है, आप इन सबके बगैर भी बना सकते हो, लेकिन अगर आप डालोगे तो और भी अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैं यहाँ पे मुट्ठी भर चोको चिप्स डाली हूँ। अब हम इन सबको डाल के अच्छे से मिलाएंगे। अभी हमारा बैटर तैयार है, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट है। और अब यहाँ पे हम एक ग्रीस किया हुआ केक टिन लेंगे। सिंपली मैंने यहाँ पे केक के चारों तरफ तेल लगा लिया है और नीचे एक बटर पेपर लगा के चिपका लिया है। आप चाहो तो बटर पेपर नहीं है तो हल्का सा मैदा लगा के भी आप इसकी डस्टिंग कर सकते हो। अब हम इसमें हमारा तैयार किया हुआ बैटर डालेंगे। और अब हम इसे 3 से 4 बार इस तरह से टैप करेंगे। अब दूसरे साइड एक बड़ा सा खुला हुआ बर्तन लेना है
और इसमें 100 ग्राम के करीब नमक डाल के आपको बिछा लेना है। और अब हम इसमें एक स्टैंड इस तरह से रख देंगे और इसे ढक के कम से कम 10 मिनट के लिए हम प्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे। ध्यान रखिए कि बैटर बनाने से पहले आपको प्री हीट कर लेना है। 10 मिनट बाद अब हम ढक्कन खोलेंगे और अब हम इसमें हमारा तैयार किया हुआ बैटर डाल देंगे और इसे अब हम ढक के 15 मिनट हम इसे मीडियम फ्लेम में बेक करेंगे। उसके बाद फ्लेम लो करके हम 20 से 25 मिनट तक बेक करेंगे। टोटल इस केक को बेक होने में तकरीबन 40 to 45 मिनट्स का टाइम लग जाता है। और अगर आप इसे ओवन पे बेक कर रहे हैं तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेकिंग मोड पे रख के बेक करिएगा। अब तकरीबन 45 मिनट्स बाद अब ये हमारा केक तैयार है। अब हम ढक्कन खोलेंगे और अब मैं इसके अंदर इस तरह से एक टूथपिक डाल के चेक करूँगी। अब आप देखो टूथपिक कम्प्लीटली क्लीन बाहर आ रहा है, मतलब कि हमारा केक अब तैयार है। अब एकदम केयरफुली आप इसे बाहर निकाल लें और इसे कुछ देर इसी तरह से छोड़ दें। कुछ देर बाद अब ये हमारा केक पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, बिल्कुल ये रूम टेम्परेचर पे है। जब केक पूरी तरह से ठंडा हो जाए तभी आप इसे टिन से बाहर निकालें। इसके इस तरह से किनारे को हम लूज कर लेंगे। और पीछे से हम इस तरह से टैप करेंगे। और अब इसके ऊपर जो बटर पेपर लगा है इसे हम निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट और मॉइस्ट बना है। इसकी हाइट भी आप देख सकते हो कितनी अच्छी इसमें हाइट आई है और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। अब मैं आपको पीसेस में कट करके दिखा रही हूँ। कितना ज़्यादा इसका चॉकलेटी टेस्ट है और बहुत ही ज़्यादा ये मज़ेदार बनता है। ये आप देखिए इसका टेक्सचर कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट और मॉइस्ट है और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। सो ज़रूर से आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर से लाइक करें और भी इस तरह की मज़ेदार रेसिपी फ्री में देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर से क्लिक कर लें। इससे मेरे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।